नमस्ते साथियों, सफलता संघर्ष की दासी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि खुद तुम्हारा दिल कहे कि हाँ मैं संतुष्ट हूं। पता है जब आप मेहनत करते ना, आपके अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। जब आप मेहनत नहीं करते ना, आपका मन आपको धिक्कारता है। आज है 20 तारीख, सुबह के 5 बजे हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी को अच्छे से मना ली होगी। हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे को पढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ने का तरीका आप, मैं जो जो बताऊं उतना पढ़ते जाइए, सफलता आपको मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बशर्ते आपको काम करते जाइए। अभी हम लोगों ने 19 तारीख को पढ़ा था नाथ साहित्य के पहले तक, यानी पेज नंबर 86 देखोगे तो नाथ साहित्य के पहले, यानी बसंत फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगार काव्य। इसका मुझे टेस्ट कराना है, इसीलिए मैं ये कार्य आपको दे रहा हूं। तो आगे बढ़ता हूं, नाथ साहित्य की बात करता हूं मैं। अब नाथ साहित्य से करना है, यानी 86 पेज नंबर से आपको पूरा नाथ साहित्य पढ़ना है। नाथ साहित्य के बाद रासो साहित्य पढ़ना है आपको, यानी ये 20 तारीख का काम है, 20 अगस्त आप लोग नोट करिए, 20 अगस्त में आपको नाथ साहित्य पढ़ना है, रासो साहित्य पढ़ना है। रासो के प्रमुख रचना है ना, उसके बाद विद्यापति, अमीर खुसरो और इनकी जो लौकिक साहित्य है, महत्वपूर्ण पंक्तियां, यानी आपको सिर्फ 94 तक पढ़ना और पूरा रिवीजन करना है। यानी आप देखो, भक्ति काल से पहले तक, कहां तक, भक्ति काल से पहले तक, यानी आपको यहां से शुरू करना और एक बार पूरा रिवीजन कर लेना है। मैं कह रहा हूं, चाहे नेट जीआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सारी सफलता आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहां से फिर से देखिए, नाथ साहित्य से शुरू करना है, पेज नंबर 86 से और पेज नंबर 94 तक भक्ति काल से पहले तक पढ़ना है। ये आपका 20 तारीख का काम है और खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लगातार पढ़ते रहिए। अपने आप से सेल्फ स्टडी का भी एक तरीका होता है, इसको पढ़िए। इसको पढ़ने से पूरा याद नहीं होगा, लेकिन जब मैं इससे प्रश्न कराऊंगा और आप प्रश्न करेंगे, आपको प्रश्न नहीं आएगा तो आप दोबारा इसी किताब में खोजेंगे। जब इसी किताब में खोजेंगे तब आपको वो याद होगा। एक बार पढ़ने से नहीं याद होता, 2-4 बार हम मेहनत करते हैं तब याद होता है, ठीक ना। सतत परिणाम, सतत संघर्ष का परिणाम होती है सफलता। जय हिंद, जय भारत।